नमस्कार वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मकुमारीज सिस्टर शिवानी हमारे साथ है वेलकम सिस्टर ओम शांति ओम शांति सिस्टर आज हम मुरली पढ़ने वाले हैं आज की मुरली का टाइटल है संतुष्ट मणि बन हर एक संतुष्ट मणि परमात्मा के भी प्यारे दुनिया के भी औरों के भी प्यारे अपने भी प्यारे कितनी भी परिस्थिति सामने आए लेकिन संतुष्ट मणि के आगे हर समय माया और प्रकृति मतलब परिस्थिति एक पपेट शो की तरह दिखाई देती है इसलिए संतुष्ट आत्मा कभी परेशान नहीं होगी परिस्थिति का शो मनोरंजन अनुभव होगा ये मनोरंजन अनुभव करने के लिए अपने स्थिति की सीट सदा साक्षी दृष्टा की चाहिए दृश्य कितना भी बदलता है लेकिन साक्षी दृष्टा की सीट पर स्थित रहने वाली संतुष्ट आत्मा साक्षी हो हर परिस्थिति को स्वस्थिति से बदल देती है जो बाबा ने शुभ भावना शुभ कामना का मंत्र दिया है अगर अपने आप को इस मंत्र में स्मृति स्वरूप रखो तो आपके व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे अवेयरनेस ऑफ संस्कार, ये संस्कार है अब क्या करना है अब इस संस्कार के साथ कैसे चलना है तो व्यर्थ चिंतन खत्म हो जाएगा तो इसलिए बाबा ने कहा उनसे न्यारे मतलब उनके उस संस्कार से न्यारे उनके वाइब्रेशन से न्यारे बाबा के प्यारे बाबा को याद करो परमात्मा से कनेक्ट करो और उस संस्कार के साथ एडजस्ट करने की विधि सीखेंगे आप नारा बनो बाबा के प्यारे बनो और उस आत्मा के कल्याण के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखो हमारी थॉट्स कैसे हो जाती है ये ऐसा होगा ये ऐसा है ये ऐसा है बाबा ने कहा उसके कल्याण के प्रति भी शुभ भावना रखो हो जाएगा ये भी ये भी हो जाएगा इसको भी समय अनुसार अपना संस्कार अवेयरनेस आ जाएगी चेंज हो जाएगा कई बार बच्चे कहते हैं उसने गलती की ना तो हमको भी फोर्स से कहना पड़ा किसी ने गलती की तो हमें भी जोर से फोर्स से कहना पड़ता है थोड़ा अपना स्वभाव भी है मुख भी फोर्स वाला हो जाता है मतलब शब्द भी थोड़े से फोर्स वाले हो जाते हैं तो उसने गलती की लेकिन आपने जो फोर्स दिखाया क्या वो गलती नहीं है सी हम नॉर्मली किस पर गुस्सा होते हैं किसी की हाँ, गलती पर हाँ, हाँ तो मैं भी गलती कर रहा हूं हाँ, तो बाबा ने कहा ठीक माना उन्होंने गलती की की गलती एक्सेप्टेड लेकिन उसने गलती की आपने जो फोर्स दिखाया क्या वो गलती नहीं है ये ही नहीं किया था ये उसने और गलती की मतलब उसकी गलती कुछ और थी आपने अपने मुख से जो फोर्स से बोला जिसको क्रोध का अंश कहेंगे तो क्या वो राइट है सपोज किसी ने झूठ बोला किसी ने चोरी की तो हम कहते हैं उसने गलती की ना तो जिसने उसको थप्पड़ मारा चोरी का हाँ। वो तो बोलता बिल्कुल जरूरी है पढ़नी yes. चाहिए उसको तो यही बाबा ने कहा उसने गलती की वो अलग गलती थी लेकिन जो आपने फोर्स से बोला क्रोध किया क्या वो राइट है दिस वी लाइन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि उसने जो गलती की और हमने गुस्सा किया क्रोध किया फोर्स से बोला क्या वो राइट है जो क्वेश्चन मार्क है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है सबसे पहले क्या वो मेरे लिए राइट है ये भी तो है ना क्या वो मेरे लिए राइट है पहले क्योंकि पहले तो मेरा नुकसान हो गया और फिर क्या वो मेरा कर्म राइट है क्योंकि हर बार दूसरे की गलतियों को ठीक करने के प्रोसेस में नुकसान किसका हो रहा है हर बार हर बार जितना हम बड़े होते जाएंगे पोजीशन में एज में रिश्तों में हमारा रोल है ना और उनको संभालना चलाना Actually, हर बार ये तरीका यूज करेंगे तो नुकसान किसका होगा एक्चुअली मुझे लगता है कि अगर मेरा संस्कार है फोर्स से बात करना तो मैं इसका एक बहाना ढूंढता हूं कि मैंने इसलिए किया क्योंकि इसने गलती की फिर दस मिनट मैंने इसलिए क्या ये गाड़ी चलाते चलाते सामने आ गया hmm. वैसे तो दिन में सारा दिन मौके मिलेंगे एक्चुअली संस्कार है इसलिए वो किया या वो करते करते संस्कार बन गया है इसीलिए जस्टिफाई सबसे पहले बंद करना है वही तो अच्छा लगा मुझे चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो सामने वाले की मुझे अपने क्रोध को जस्टिफाई कभी नहीं करना है गुस्सा आ भी गया गुस्सा कर दिया मैंने उसके बाद तुरंत अपने आप को रियलाइजेशन आई कुड को कह देंगे तो नॉर्मल है ना उसने गलती की तो क्या होगा मन ने अपने कर्म के लिए अपने आप को क्या किया जस्टिफाई कर दिया यू वर राइट बार बार गरो. हाँ इट्स लाइक ट्रीट योर माइंड लाइक अनदर पर्सन अगर आप दो लोगों को देखें एक ने गलती की दूसरे ने गुस्सा किया और आपने जिसने गुस्सा किया आपने उसको कहा परफेक्ट दिस वे आपको ऐसा गुस्सा करना ही चाहिए था तो वो वाला व्यक्ति क्या करेगा अगली बार फिर वही तरीका तो यूज करेगा तो इसी तरह गुस्सा किया पुराना संस्कार है आ जाता है लेकिन कभी भी उसको जस्टिफाई नहीं करना है ताकि मन को पता होना चाहिए कि मुझ आत्मा को क्या सही लगता है क्या नहीं सही लगता या मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं है कभी भी अपने किसी भी कमजोर संस्कार को जस्टिफाई नहीं करना संस्कार कमजोर होने लगेगा जस्टिफाई कर दिया संस्कार स्ट्रांग होने लगेगा इट्स लाइक समबड़ी डन समथिंग एंड हम उसको कहे सही ऐसे ही करना चाहिए तो हमने उसको क्या कर दिया उसको अप्रिशिएट कर दिया मोटिवेट कर दिया उस तरीके के लिए तो वो नेक्स्ट टाइम वो ही नहीं करेगा कभी भी जस्टिफिकेशन नहीं क्या गलत गलत को ठीक कर सकता है कभी भी कोई भी संस्कार जो मेरे नेचुरल कंफर्टेबल लेवल से हटकर है पुराना है कड़क है आएंगे लेकिन जब भी आएगा अब जस्टिफाई नहीं अब आत्मा अपने आप को कहे आई कुड हैव डन इट दिस वे दैट इज द इजिएस्ट वे टू ट्रांसफॉर्मेशन ईजिएस्ट वे टू ट्रांसफॉर्मेशन लेकिन जब तक जस्टिफिकेशन है दैट्स द इजिएस्ट वे टू ब्लॉक ट्रांसफॉर्मेशन ये गिल्ट नहीं है

एक्सेप्ट किया कि गलत था हाँ? अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि इसको ऐसा नहीं पॉजिटिव अगली बार नहीं दिस टाइम आल्सो आई कुड हैव डन इट दिस वे ये सिचुएशन में मेरा ये रिएक्शन सही नहीं था यू नो ट्रीटिंग इट लाइक अनदर चाइल्ड एक बच्चा एक गलती की आप उसको बताएंगे यू कुड हैव डन इट दिस वे ताकि वो नेक्स्ट टाइम माइंड की प्रोग्रामिंग है ये कंडीशनिंग hmm. है ये भी तो इसीलिए बाबा ने कहा उसने और गलती की आपने अपने मुख से जो फोर्स से बोला जिसको क्रोध का अंश कहेंगे तो क्या वो राइट है क्या गलत गलत को ठीक कर सकता है ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है क्या गलत गलत को ठीक कर सकता One है वन रोंग के नॉट करेक्ट अनदर अदर रोंग

थोड़ा सा कुछ गलत हुआ उसको सही दिशा पर लाने के लिए मुझे पहले खुद सही दिशा पर होना पड़ेगा अब सपोज दो रोड्स हैं ऐसे डिवाइड हो रहे हैं एक आपको जाना इधर है लेकिन एक जना आपकी फैमिली से दूसरी रोड पे चलना शुरू कर दिया राइट right? तो वो गलत रास्ते जा रहा है तो आपको गलत रास्ते से उसको ला कर क्या करना है इस रास्ते पे? पर लेकर जाना है लेकिन आप भी चलने लग गए वो रास्ते पे साथ में हाँ लेकिन जब भी, भी ऐसी बातें मैं सुनता हूँ लोगों को डिस्कस करते हुए बोलते लोग बोलते हैं, हम संत तो नहीं नो no मैं भी इंसान हूँ अगेन पुरुषार्थ करना चाहे करना चाहे तो इट्स वेरी सिंपल जस्टिफिकेशन देना चाहे बहाने बनाने चाहे तो इट्स वेरी इजी संत, संत तो है क्या संत है कौन संत आत्मा कौन है है तो मनुष्य आत्मा ही ना एक मनुष्य आत्मा जो अपने पर पुरुषार्थ करने के लिए तैयार है जो तैयार है वो रिजल्ट मिलता है नहीं तैयार है तो भी ठीक है नहीं तैयार है नहीं पुरुषार्थ करें पर फिर ये तो ना कहे ना खुशी चाहिए शांति चाहिए अच्छे रिश्ते चाहिए सेहत चाहिए चाहिए तो फिर चाहिए या तो नहीं चाहिए जैसा है फिर ठीक है चाहिए भी लेकिन चाहिए के लिए फिर पुरुषार्थ नहीं करेंगे और चाहिए चाहिए सिर्फ करेंगे तो कैसे आएगा फिर तो इसलिए बाबा ने कहा एक गलत क्या दूसरे गलत को ठीक कर सकता है आजकल के समय अनुसार अपने बोल को फोर्सफुल बनाना ये भी विशेष अटेंशन रखो क्योंकि जोर से बोलना या तंग होके बोलना वो तो बदलता नहीं लेकिन ये भी दूसरे नंबर का विकार का अंश है ये क्रोध का अंश है जोर से बोलना भी थोड़ा सा भी फोर्स से बोलो क्योंकि इसको आजकल हम गुस्से में नहीं काउंट करेंगे दूसरे नंबर मतलब तो पांच विकार होते हैं ना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो दूसरा नंबर विकार जैसे हम किसी ने कुछ किया हमने थोड़ा सा जोर से बोल दिया तो हम उसको क्रोध में नहीं काउंट करते हम कहेंगे ऐसे थोड़ी किया थोड़ा सा तो जोर से बोला तो बाबा ने कहा वो भी दूसरे नंबर के विकार का अंश है और बाबा हमेशा कहता है जहां अंश है वहां किसी न किसी दिन वंश आ जाएगा अंश से हटाना पड़ेगा नहीं तो वंश पैदा हो जाता है तो कई बार हम कहते अब मेरा गुस्सा खत्म हो गया अब मुझे गुस्सा नहीं आता इतना लेकिन ये अंश है तो ये अंश है तो वंश आ जाएगा तो ये जो समय अनुसार अपने बोल को फोर्सफुल बनाना ये अटेंशन रखो कहा जाता है मुख से बोल ऐसे निकले जैसे फूलों की वर्षा हो रही हो मीठे बोल मुस्कुराता चेहरा मीठी वृत्ति मीठी दृष्टि मीठा संबंध संपर्क ये गोल है मीठे बोल मुस्कुराता चेहरा मीठी वृत्ति मतलब एटीट्यूड भी मीठा मीठी दृष्टि पर्सपेक्टिव भी मीठा और मीठे संबंध संपर्क इसलिए रिजल्ट देखो अगर मानो कोई ने गलती की गलत है और आपने समझाने के लक्ष्य से और कोई लक्ष्य नहीं है सी लक्ष्य भी बहुत अच्छा है इंटेंशन समझाने का लक्ष्य है लक्ष्य आपका बहुत अच्छा है कि इसको शिक्षा दे रहे हैं समझा रहे हैं लेकिन रिजल्ट में क्या देखा रिजल्ट में क्या मिला क्या उसको समझ में आ गया क्या वो चेंज हुआ, हुआ क्या वो चेंज हुआ मैं चेंज हो गया मैं चेंज हो गया एंड दैट दैट टू चेंज इज नॉट फॉर द गुड तो ये कितनी चेकिंग है कि जैसे आपने कहा वी कॉल इट डिसिप्लिन हम कहते हैं हम उनके फायदे के लिए बोल रहे हैं अगर हम नहीं बोलेंगे तो वो कैसे समझेंगे वो नहीं समझेंगे तो गलती पे गलती करते जाएंगे तो बाबा ने कहा ठीक है आपका लक्ष्य बहुत अच्छा था इंटेंशन बहुत अच्छी थी उनके फायदे के लिए बोला आपको रिजल्ट मिल गया ये आज हम सबको चेक करने की जरूरत है क्योंकि जो मेथड हम सब यूज कर रहे हैं गुस्से से इससे गुस्से उसकी उस उस रिजल्ट हमें आज क्या मिले है वट इज़ द रिजल्ट वी आर गेटिंग आज काम हो गए हैं uh -huh. ये रिजल्ट हमें मिली है काम हो गए हैं लेकिन आत्माओं की खुशी गुम हो गई है शरीर बीमार हो गए हैं रिश्ते कमजोर हो गए हैं ये हमारे रिजल्ट हैं आज आज हम काम कर देंगे एक दूसरे के लिए लेकिन रिश्ते कहाँ हैं आज रिश्ते एकदम फ्रजाइल हैं एक वर्ड पर हिल जाते हैं सारे तो ये प्रोग्रेस जो हमने की जिसको हम कहेंगे ये रिजल्ट है हमारा हमने स्ट्रेस क्रिएट किया एंगर क्रिएट किया तो क्या हुआ वी अचीव सो मच लेकिन ये रिजल्ट ने हमें और क्या क्या रिजल्ट लेकर आए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हम दोरों को चेंज करने के लिए ये तरीके अपनाते हैं क्या वो चेंज हुए क्या वो चेंज हुए लोग हमारे सामने फियर के कारण पोजीशन के कारण मजबूरी के कारण हमारे कहने पे कुछ कर सकते हैं संस्कार कभी भी गुस्से से नहीं चेंज होगा गुस्से से अपना संस्कार भी नहीं चेंज हो सकता और गुस्से से किसी और का संस्कार भी नहीं चेंज हो सकता तो बाबा ने कहा आप समझा रहे हैं लेकिन रिजल्ट में क्या देखा गया क्या वो बदलता है और ही आगे के लिए आपके आगे आने से डरता है हमने फियर क्रिएट किया रिस्पेक्ट नहीं लक्ष्य होना चाहिए रिश्तों में रिस्पेक्ट क्रिएट करने का लेकिन एंगर यूज करने के कारण हमने फियर क्रिएट कर दिया तो जो लक्ष्य आपने रखा वो तो होता नहीं है इसलिए अपने मन सा संकल्प और वाणी अर्थात बोल और संबंध संपर्क को सदा मीठा मधुरता संपन्न अर्थात महान बनाओ बहुत मुडी में बार बार यही आता है ना मीठा मीठा प्यार प्यार मीठा सब कुछ उसी पे डिपेंडेंट है ना सब कुछ उसी पे डिपेंडेंट है ना मन की खुशी तन का स्वास्थ्य रिश्तों में प्यार उसी पे डिपेंडेंट है लेकिन अब सिर्फ इम्पोर्टेंट ये है सिर्फ मुख से मीठा नहीं अंदर से मीठा मुख से मीठा तो बहुत इजी है आज करना लेकिन अंदर से मीठा मेरे लिए तो नहीं है

नहीं, नहीं करता मेरे अंदर भी तो कितने सारे संस्कार हैं जो दूसरी आत्मा को ठीक नहीं लगते होंगे ऐसा भी तो होगा ना कभी भी एक जने का नहीं होता है और वो लाइन अच्छी थी ठीक हो जाएगा ये भी दुआएं दो yes, कितना प्यारा है। उनके संस्कार के प्रभाव से न्यारे हो जाओ बाबा के प्यारे बन जाओ मतलब प्यार से उसके साथ कनेक्ट करो और उनके कल्याण के लिए शुभ भावना शुभकामना रखो नारे और प्यारे प्यारे तो शुभ भावना शुभकामना रखो तो बाबा ने कहा यह आज हमें याद रखना है। मीठे बोल मुस्कुराता चेहरा मीठी वृत्ति मीठी दृष्टि मीठे संबंध संपर्क यह मिठास जीवन में इसलिए अपने आप को चेक करो सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभकामना की वृत्ति और दृष्टि के संस्कार नेचर और नेचुरल हो गए हैं अब ये नेचर बन जानी चाहिए ये नेचर बन जाए। पहले हम पुरुषार्थ करेंगे फिर धीरे धीरे पुरुषार्थ करते करते वो हमारी नेचर बन जाएगी एक बार नेचर बन गई फिर पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा सिस्टर मैं एक सीन जब करता हूँ नया नया कोई फिल्म में रोल एकदम नई चीज है कोई तो उसको मैं पहले तो पढ़ता जाता पढ़ता जाता पढ़ता जाता दस बार बीस बार तीस बार और ऐसे पहले लगता है बड़ा आर्टिफिशियल लगता है करते 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 फिर एकदम नेचुरल वो जब पूरा याद हो जाता है ना पढ़ पढ़ के पढ़ पढ़ के बार बार इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ मी दिस इज इट फिर दो और दो फिर, फिर एकदम एक फिर फिर नेचुरली के सामने लेकिन वो मेहनत की ना बहुत मेहनत कर दी अगर इसी में हम कह दें कि नहीं जाते इमीडिएटली मैं वही पढ़ के रट्टू मार के कर दूं बड़ा आर्टिफिशियल भी लगता है नेचुरल नहीं लगता है मोस्ट इम्पोर्टेंट है उस रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए मेहनत की ना मेहनत तो बहुत मेहनत की आप देखो जीवन का कौन सा क्षेत्र है जहाँ मेहनत नहीं करते हैं साइकिल चलाने के लिए भी मेहनत की दस बार गिरे एक पौधा भी ग्रो करना है तो मेहनत करनी पड़ती है ना कुछ भी तो अपने आप नहीं हो रहा है हर चीज में मेहनत शरीर का ध्यान रखने में मेहनत तीन बार घर में भोजन बनता है कुछ लोग तो पूरा दिन सिर्फ हमारे लिए भोजन ही बना रहे हैं ना किस भोजन बन रहा है इतना इस शरीर को चलाने के लिए हर चीज में कितनी मेहनत करते हैं और यहां जब बात आती है तो वी टेंड टू गिव अप वेरी इजीली ये जो आत्मा आत्मा के संस्कार मन की जो तो थॉट्स हैं इसके ऊपर हमने कभी मेहनत नहीं की इसको हमने ऑटोमेटिक मोड में डाला है जो आ रहा है वो ठीक जो सोचा वो ठीक वो नेचुरल वी thought it's happening on its own ये अपने आप आ रहे हैं इस पे मेहनत इसको हमने क्या अब अगर आप कोई मूवी कर रहे हैं तो विल यू से जो मैं तो सीन कर दूंगा जैसा हुआ वो ठीक तो नहीं करेंगे ना इसे। पहले तैयारी त्यारी उस मेहनत उसकी प्रैक्टिस मेहनत ये करता हूं मैं कि लगे कि अपने आप अप आ रहा है लेकिन आप अपने 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 नहीं है यहाँ पर हम अपने आप अप आ रहे एक बहाना बना लेते वो थॉट आ गई मैं क्या करू अपने आप हो गया मैं क्या करूँ तो वहां तो क्यों नहीं होता है स्क्रीन कैमरा के सामने अपने आप कुछ भी और गुस्से में कभी गाली क्यों नहीं निकलती है फिर वहाँ क्यों नहीं कितना है? कितना अलर्ट रहता है बंदा और जब गुस्से में सीन अगर गुस्से का हो हाँ। रियली हाथापाई हाथ भी हो उसमें हाँ। तो यू विल नॉट क्रॉस दट बॉर्डर ना आप गाली निकाल के थप्पड़ रियल तो नहीं मारोगे नहीं मारेंगे ये क्यों ऐसा होगा कि जब आप सीन कर रहे हैं वहाँ टेंशन है वहाँ टेंशन है और सारा दिन क्या है टेंशन वहां आपने कहा हम वो लाइन क्रॉस नहीं करेंगे क्यों हम वो लाइन क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि मन को मालूम है कि यहाँ लाइन क्रॉस नहीं करना है रोल है ना उतना मन को मोस्ट इम्पोर्टेंट है मन को डायरेक्शन देना यहाँ लाइन क्रॉस नहीं करना है और घर पे घर पे तो लाइन क्रॉस करना अलाउड है ये जो घर मन ने कहा हमने मन को कहा घर पे तो ऐसे बोलना अलाउड है अब उसी में घर पे कोई मेहमान आ जाए उस समय भी सपोज कोई ऐसी सीन हो जाए जो आपको ठीक नहीं लगे अनप्लेजेंट क्या आप उतना गुस्सा कर देंगे या उतनी गलत लैंग्वेज यूज कर देंगे नहीं क्योंकि अभी अलाउड नहीं है फिर वो चले जाएंगे उसके बाद कर सकते हैं क्योंकि अभी अलाउड है सारा खेल ही ये है मन को बताना कि क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है जैसे हम मन को बोलेंगे घर में भी ये अलाउड नहीं है ऐसे भी ये अलाउड नहीं है किसी भी हैबिट की तरह है जैसे बाबा ने कहा मुरली में कभी कभी संतुष्ट नहीं अभी मन को बोलो सदा सदा सदा, सदा, सदा।, सदा।, सदा। तो अभी मन को बोलो आज ठीक है अलाउड सं, है संतुष्ट अच्छा चलो एक दिन नहीं right. अब सदा सदा तो एक मुरली से कितना निकला है सब कुछ निकल गई एक ही मुरली के लिए काफी है। एक्चुअली हर, हर, हर तो अवेकनिंग में कैसे लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस हो रही हैं कैसी सब रिश्तों की निटी एनर्जी कैसे ये सब मालूम है मुरली ना मुरली में सब कुछ है कोई ऐसी तो बात ही नहीं है जो इसमें नहीं, नहीं है।, अब इसको क्या करना है सुनना है समझना है एक्सेप्ट करना है अब इम्प्लीमेंट करना है और मन को बोलना है कि दिस इज अलाउड दिस इज नॉट नॉट अलाउड अब जब रोज सुबह अगर सपोज कल सुबह हम जाकर सेंटर पे ये सुन ले तो क्या ये हमारे ऊपर सारा दिन काम नहीं करेगा करता है करेगा दिस इज इट दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाई टू टेक इट डेली बहुत इम्पोर्टेंट है अब आज हमें एक दिन ये सारा दिन ये याद रहेगा संतुष्ट रहना है हर सीन और हर आत्मा को एक्सेप्ट करना है किसी के अंदर कोई संस्कार दिखाई दे रहा है तो क्या करना है शुब भावना, शुब कामना। ये भी या दुआएं उसके भी परिवर्तन के कल्याण की शुभ भावना कि ये भी हो जाएगा और जो आज बहुत तो अच्छी इंपोर्टेंट बात थी फोर्स वाली फोर्स वाली ये। सबसे अच्छी लगी मुझे ये, ये बात कि क्या तुम सही कर रहे हो जब hmm. उसने तो किया राइट right. लेकिन अब आप जब आपने फोर्स से उसको डांट के बोला hmm. तो वे जो अंश yes. क्रोध दो का अंश है दो दूसरा नंबर विकार तो बाबा ने कहा क्या एक गलत दूसरे गलत को ठीक करेगा वो तो रॉन्ग है मान लिया उसने गलत किया लेकिन क्या आप गलत नहीं कर रहे हैं सिस्टर क्या है ना दिमाग को जैसे घुमा लो मन को hmm. बचपन में हम सुनते थे हरेक लोहा लोहे को काटता है जहर जहर को काटता है कांटे से कांटा निकलता है चलो मार्ग गंदे आदमी तो जो कर लो ना जो इन्फॉर्मेशन फीड कर लो ना तो जैसे वो इन्फॉर्मेशन फीड की हमने उसको यूज किया उसका रिजल्ट आज हमारे सामने है 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 नुकसान नुकसान ही हुआ हुआ ना हुआ। तो अब ये करना ये फीड फीड करना करना इसको यूज करना है और इसका रिजल्ट देखना है रिजल्ट तो बिना बोले ही मालूम है ना मालूम है मैं तो शांत रहूंगा और प्यार से बोलूंगा तो मैं कितना सुखी हो जाऊंगा दुनिया को तो छोड़ दो तो इसीलिए बाबा ने कहा उनके संस्कार से न्यारे हो जाना न्यारे हो जाना एक्सेप्ट करना कि yes, this is it, बाबा के कनेक्ट करके प्यारे रहना तो आपकी वाइब्रेशन वायुमंडल को बनाएंगे और फिर धीरे धीरे उस आत्मा पर भी प्रभाव डलेगा और जो इतनी सुंदर आज लाइन थी मीठा बोलना मुस्कुराता चेहरा मीठी दृष्टि मीठी वृत्ति मीठे संबंध संपर्क इस पे करें डेफिनेटली अपने आप को देखें इस शरीर को चलाने वाली शक्ति प्रिकुटी के बीच इन द सेंटर ऑफ द फोर हेड में एक सुंदर चमकता हुआ सितारा प्योर ब्यूटिफुल एनर्जी लंबी यात्रा पर अनेक संस्कार लेकर आई हूं मैं आत्मा देखें अपने आप को परिवार के साथ काम के क्षेत्र पर अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आते अलग अलग संस्कार कुछ बातें सही भी नहीं लगती लेकिन अपनी स्थिति को चेक करें अब मुझे स्मृति है मेरी स्थिति से परिस्थिति बनेगी बातें आएंगी परिस्थितियां आएंगी लेकिन अपनी स्थिति को देखें संतुष्ट काम स्टेबल आई एम अ पावरफुल सोल परिस्थिति का प्रभाव मुझ आत्मा पर नहीं मुझ आत्मा का प्रभाव परिस्थिति पर देखे अपने आप को उसी सीन में जैसे हम स्टेबल रहते हैं हमारी वाइब्रेशंस अनेक आत्माओं पर और वायुमंडल पर प्रभाव डालती है किसी से कोई गलती हुई है वो आपके सामने खड़े हैं देखें अपने आप को उसमें उनसे गलती हुई है लेकिन हमें सही रहना है स्टेबल रहकर इन कंट्रोल अब डायरेक्शन देना है